सिन्फे आहन का आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि मुझे हम रिव्यू कर रहे हैं और हमें जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली एक जो कनेक्शन महाजबीर ने इस्टेब्लिश किया है वो बड़ा स्ट्रांग है। और मेरे तो अपने घर में मेरी जो छोटी बेटी है वो महाजबीर की सबसे बड़ी फैन है और वो उसको बस एम्युलेट करती रहती है और उसके डायलॉग और एज स्टाइलिश एज महाजबीर एंड आई वांट टू बी एज स्टाइलिश एज महाजबीर। ओह दैट्स सो क्यूट। क्या आपको कैसा फीडबैक मिल रहा है, ये आपको अंदाजा है जो इम्पैक्ट सिन्फे आहन का एंड इन पर्टिकुलर और द फीमेल कैरेक्टर्स हैव हैड ऑन यू नो entire generation of young girls? मुझे अंदाजा है, लेकिन फनी बात यह है कि जब हम शूट कर रहे थे महाजबीन आखिरी सीन तक, आई डिडंट रियलाइज, क्योंकि आई थिंक मैं बार बार नदीम भाई के पास जाके कहती थी, नदीम भाई इसका मुझे समझ नहीं, आई मीन लाइक इसका आर्क नहीं आ रहा, यू नो क्या मैं सबके पास कुछ ना कुछ टैंजिबल है टू अचीव, ये नहीं कर रही कुछ अचीव, यू नो इस तरह की चीज़ें आई केप्ट आस्किंग हिम। एंड उन्होंने ये कहा कि जब ये स्टिच टुगेदर होगा ना यू विल हैव अ बेटर आइडिया। और जब जब मैं देखती हूँ स्टोरीज, मैं एपिसोड देखती हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि येस, बिकॉज उसका मेन अचीवमेंट है ही जो वो कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है जिसको वो ओवरकम कर रही है, उसकी मेन अचीवमेंट है ही यही। और हम इस चीज़ को ज़्यादा क्रेडिट नहीं देते कि आजकल हर दूसरा बंदा, यू नो, या हर तीसरा बंदा, इतना दूसरा बंदा किसी ना किसी जंग से गुजर रहा है, जो इंटरनल जंग है, राइट? चाहे वो किसी भी तरह की हो, चाहे वो अच्छा इंसान बनने के लिए हो या अच्छा काम करने के लिए हो, तो लोगों को एहसास नहीं होता कि एवरीबॉडी इज इन सम काइंड ऑफ अ बैटल। तो आई थिंक इसीलिए लोग ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं महाजबीन के साथ, क्योंकि वो किसी के साथ लड़ नहीं रही, उसको बस है कि मुझे अपने आप को बेहतर करना है, क्योंकि उसने इतनी सुनने को भी उसने इतनी सुनी भी है बातें हर किसी से, हर कोई इसको ही आके डांटता है। तो I think that's what it is. लोग बड़ा sad हुए जब महाजबीन के बालों का रंग उसको चेंज करना पड़ा। लोग बड़ा sad हुए जब वो सल्यूट में सारे पास हो गए और महाजबीन नहीं पास हुई। And by the way, आपने एक्टिंग भी बड़ी अच्छी की, मैंने उस सल्यूट देखा, मैंने कहा आपने काफी अच्छा किया था जो आपका डिसअप्रूव हो गया। तो ये मुझे बताए ना, ये जो प्रैक्टिस थी सल्यूट वाली, इसके पीछे आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ कपल ऑफ स्टोरीज देयर एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल, सो आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड। क्योंकि आपका अच्छा था, था या नहीं था, मैं आपको बताती हूँ कि जब मैंने सलूट किया, मैंने वॉक किया, सलूट किया, यू नो एजिडेंट ने कट करवाया हमें और उनका कि इनको फेल करना है, एंड नदीम भाई सर यस सर इनका परफेक्ट सलूट है, मैं इनको फेल नहीं कर सकता। थैंक यू। मैं भी क्या होता है वो, एजिडेंट बन सकता हूँ मैं, यकीन करें, क्योंकि आप जो फेल हुई है ना वो भी आपका अच्छा था। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही सेड। मैंने ये भी सोचा, मैं कहूँ सलाम साहब, दैट वुडंट हैव वर्क्ड, लेकिन ये मेरा सलूट। और मैं अब नाम लू या ना लू, लेकिन कुछ एक दो सल्यूट जो अप्रूव हुए मुझे लगा वो अच्छे नहीं थे। नहीं, आप मुझसे नाम कह रहे हैं तो आप भी ले नाम प्लीज। मुझे ऑनेस्टली लगा कि सायरा का सल्यूट इतना अच्छा नहीं था। आपने देखा था सल्यूट? नहीं, ऑब्वियसली आपने नहीं देखा होगा, आपने अपना स्किप स्किप करके अपना देखा होगा और फिर बाकियों का आपने नहीं देखा। मैंने एक्चुअली पिछले दो एपिसोड नहीं देखे अभी तक, तो मैंने टायर चेंज वाली एपिसोड नहीं देखी अभी तक, मैंने सिर्फ क्लिप्स देखे हैं और मैंने सल्यूट वाली एपिसोड। अच्छा, सल्यूट वाली नहीं देखी? हाँ, दोनों नहीं देखी। तो अच्छा चले, आप फिर मैं नाम लेने का फिर फायदा क्या हुआ? आई थॉट ये हाली का भी सल्यूट उतना अच्छा नहीं था। हाँ हाँ हाँ, ये दो सल्यूट मुझे लगा कि थोड़े वीक थे और ये अप्रूव हो गए।